नाम बताइए। सर मेरा नाम हिमांशु पांडे है। तो आपका जो चाय का नाम है एमबीएम चाय वाला, तो एमबीएम का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सर इसका मीनिंग है मेरा भारत महान। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया है? सर मैंने सोचा कि मतलब कुछ अलग रखते हैं जो कहीं किसी का नाम ना हो, इसीलिए मैंने इसको चूज किया मेरा भारत महान। तो आप बताइए अभी आप काम क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हैं या कुछ? अभी तो मैं पढ़ाई मतलब करके भी एमएससी किया था केमिस्ट्री से, फिर 3 साल एयरपोर्ट पे जॉब भी किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, फिर कोविड के वजह से मैंने रिजाइन दे दिया, फिर मैं यहाँ पे सोचा चाय का आइडिया, तो मैंने सोचा चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चाय बहुत आजकल चाय पानी से भी, पानी के बाद चाय अधिक कंज्यूम होती है। तो ये अभी दुकान अभी कितना दिन पहले खोला है यहाँ पर? 9 तारीख से स्टार्ट किया मैंने। 9 सितंबर जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी ब्लॉग फोरी में स्वागत है। तो आज हम अपने वीडियो में अब आपको एक नया चीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो हम इस टाइम में नमो घाट खिड़किया घाट, तो खिड़किया घाट पर एक दुकान खुला है चाय का। इस चाय की दुकान का नाम है एमबीएम चाय वाला। तो आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे दोस्तों का, कहीं एमबीए चाय वाला, कहीं बीटेक चाय वाला, कोई पीएचडी चाय वाला, कोई नर्सिंग चाय वाला, तो पूरे भारत देश में काफ़ी लोग खुल रहे हैं। तो गाइस देखिए सामने जो रास्ता है नमो घाट खिड़किया घाट का आने का है, अगर कैन रेलवे स्टेशन साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से बिल्कुल इस रास्ते से आएंगे तो आपको कैन स्टेशन से टेम्पू बस ये रिक्शा सब कुछ मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ बाइक से आते हैं, जो यहाँ लोकल लोग रहते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं तो रिक्शा से आते हैं। यहाँ पर कार के पार्किंग, बाइक की पार्किंग सब कुछ आपको मिलेगा। ये पूरा घूमने के लिए जगह बनाया गया है। तो सामने देखिए गाइस ये राजघाट पुल है, इसको डबल पुल नाम से भी जानते हैं। तो सामने गंगा जी नदी हमारी है, गंगा माँ है। तो गंगा माँ और राजघाट पुल के ओवर ब्रिज के बीचों बीच यहाँ पर देखिए एक 18 सेट का एक जगह बनाया गया, जिसके नीचे एक चाय की दुकान खुला है जो भी नया नया खुला हुआ है। तो चाय की दुकान का नाम है एमबीएम चाय वाला। तो आप कोई भी अगर यहाँ 80 नमो घाट किया घाट घूमने आते हैं गाइस दोस्तों, तो एक बार इनके यहाँ पास आइएगा, यहाँ पर यहाँ चाय पीजिएगा, कॉफ़ी मिलता है। तो हम आपको वीडियो में और भी कुछ बता देंगे यहाँ क्या क्या मिलता है, देख लीजिएगा। तो हम लोग भी चाय पियेंगे और कुछ लोगों से पूछेंगे कि चाय कैसा लगा, तो आपको पता चलेगा। तो गाइस ये हम देखिए कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। अभी हम लोग कप में पीते थे और थम्बल जो ग्लास उसमें पीते थे, आज हम पुरवा जिसको बोलते हैं या गुल्ला। सर कैसी लग रही है कॉफ़ी? तो दोस्तों हम कॉफ़ी पी रहे हैं कुल्हड़ में। तो अभी आप बहुत लोगों ने कुल्हड़ में कॉफ़ी नहीं पी होंगे, तो अब यहाँ कुल्हड़ कॉफ़ी पियेंगे। तो यहाँ जो भी मिलेगा आपको कुल्हड़ मिलेगा। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। हिमांशु पांडे है जी। और क्या ये वाराणसी के आप रहने वाले हैं? जी हाँ यहीं रहने वाले। अच्छा ये बताइए जो आप ये जो शॉप खुले हैं जो चाय का जी, ये कब से खुले हैं? सर ये हो गया 9 तारीख से खुले हैं। अच्छा 9 तारीख से खुले हुए हैं। और फिलहाल इसका खोलने का कारण? सर यही है कि एमएससी केमिस्ट्री से किया हूँ। अच्छा। और कहीं जॉब नहीं मिल रही है, एविएशन कोर्स भी किया था। अच्छा। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब किया, कोविड की वजह से छोड़ना पड़ा, रिजाइन दे दिया। अच्छा। ये 2 साल बैठा रहा घर पे, फिर मेरा आइडिया ये एमबीए चाय वाले लोग खोले हुए हैं, चाय सुट्टा बार वाले खोले हुए हैं, तो मैं भी अपनी रोजी रोटी आराम से निकाल सकता हूँ चाय। अच्छा ये बताइए आप अपने ये जो शॉप का जो नाम है एमबीएम चाय वाला, आखिर इसका नाम क्यों रखे और इसका क्या फुल फॉर्म क्या है? इसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी सर डी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छा। लाइसेंस लेने के लिए मेडिकल लाइसेंस, आगे चल के मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, लेकिन चाय का बिजनेस चल गया तो इसी पे रहूंगा। अच्छा यानी कि सुबह से ही खोल के उसके बाद 11-12 बजे तक बंद कर देते हैं और उसके बाद शाम में? शाम को आता हूँ मतलब खान 4 बजे आ जाता हूँ। अच्छा 4 बजे यानी 4 बजे खोलते हैं? 10 बजे तक खोलता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है धन्यवाद। दुनिया का व्रत था मतलब यहाँ चाय पीने जा रहा होते थे, बताया था बेटा आ जाना आप 9 बजे, तो मैं आ गया सुबह 2 बजे, हम लोग को चाय की सेवा किया, कम से कम 500 चाय तो फ्री मिल जाएगी अपने, क्योंकि वो लोग व्रत थे और मेरा भी फर्ज है सेवा करना। नहीं नहीं जरूरी है, आपने सेवा किया उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है धन्यवाद। तो दोस्तों आप जो भी यहाँ आपको भी आइएगा तो इनके यहाँ दुकान में जरूर आएगा चाय पीने के लिए, बहुत अच्छा चाय और कॉफ़ी मिलता है यहाँ पर।
तो जो लोग चाय और कॉफ़ी का शौकीन है तो यहाँ बहुत बेहतरीन और शानदार चाय मिलेंगे आपको पीने के लिए। तो यहाँ कुछ प्राइस दिया गया है,